तक पहुंच जाते हैं, सही रास्ता मिल जाता है। अभी सुबह को गए थे, सुबह तो रात हुई, सुबह तो सही रास्ता पहुंच गए, सही रास्ते ही आए सुबह। तो अभी मैं घर आ चुकी हूँ, मैंने कपड़े धोने के लिए लगाए हैं जो कि हॉस्पिटल में गंदे हुए थे। तो चार पांच दिन से मैं वहाँ रह रही थी, मोनू के मेरे दोनों के कपड़े थे तो मैंने धोने के लिए लगाए हैं। रात को सुखा के डिटॉल वगैरह में सुबह मैं उनको ले जाऊँगी। देखो एक दो दिन में, शायद दो तीन दिन में या फिर डिस्चार्ज कर देंगे वो उनको, ज़्यादा दिन नहीं रखेंगे। मैं हालत देखिए, कोई नहीं, हॉस्पिटल में ऐसी हो जाती है। आप सबका साथ मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे। वीडियो क्या अच्छी लगनी है, हॉस्पिटल की वीडियोस किसको अच्छी लगती है। लेकिन हाँ, सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे दीपाली कुकिंग जोन को, और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। ये देखिए कपड़े मैंने लगा दिए हैं, फर्स्ट लॉट मेरा लग चुका है। और घर में आके जो चैन मिलता है वो कहीं और नहीं मिलता। कौन कौन मेरी बात से एग्री करता है मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ये मेरे भगवान जी, तीन चार दिन से पूजा शायद नहीं हुई है, नहीं मम्मी ने करी है, मम्मी ने एक स्लॉट डाल दिया है बस, ये थोड़े से और डालने हैं। बेड शीट है, एक सूट है, पापा जी के कपड़े बस। और कौन कौन मेरी बात से एग्री करता है कमेंट ज़रूर करके बताना कि अपने घर में जो चैन मिलता है वो कहीं भी नहीं मिलता। चार दिन से हॉस्पिटल में ऐसी कोई वैसी बात नहीं है, लेकिन इन बंदा सो नहीं पाता, वो चैन नहीं मिलता जो उसको घर में मिलता है। और मोनू अब ठीक है, उनको जल्दी ही डिस्चार्ज मिल जाएगा। उनकी तबीयत पहले से काफ़ी अच्छी है, एक्सरे हुआ था आज, वो भी ठीक आया है, टच वुड तो वो भी अच्छा आया है, एक्सरे भी ठीक आया है उनका। और भगवान जी जल्दी जल्दी उनको ठीक कर दें, यही प्रेयर मैं करती हूँ, आप सब भी कीजिएगा। फिर हम घूमने जाएंगे कहीं कहीं पे जब वो ठीक हो जाएंगे, तीन चार महीने बाद। तो चलिए काम निपटा लेती हूँ मैं जल्दी जल्दी, फिर मैं रात को अच्छे से सोऊंगी ताकि मैं दो तीन दिन फिर से जग सकूँ। मेरे मम्मी पापा, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, दीदी, भाभी सब देखने के लिए बेचैन है वहाँ पे उनको। लेकिन मैंने उनको बोला है कि अभी नहीं, घर आ जाएंगे तभी आप देख लेना, एक दो दिन में वो घर ही आने वाले हैं। लेकिन उनको चैन नहीं मिल रहा, मैं देखती हूँ। अगर दीदी को, अगर उनको कल परसों डिस्चार्ज मिल गया तो मैं दीदी को मना कर दूँगी, अगर डिस्चार्ज देर से मिला तो मैं दीदी को बोल दूँगी कि आप मेरे साथ चलो, वो भी चले जाएंगे। उनका बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है मिले बिना मैं मोनू जी से। वो उसी दिन ऑपरेशन वाले दिन ही आने को तैयार थी, लेकिन उनके घर में शादी थी तो मैंने मना कर दिया था। मैं कहा नहीं दीदी, रहने दो, आप पहले शादी निपटा लो अपने घर की। कह रही थी मेरा ऐसे मन कर रहा उड़ के आ जाऊँ। बहन भाई का प्यार ऐसे ही होता है, और दीदी इनको काफ़ी प्यार करती हैं, सारे भाइयों को वो एक सा प्यार करती हैं। चलिए मिलती हूँ मैं आपसे बाद में। तो मैं रात को घर पे आ गई थी, जैसा कि आपको पता है। अभी मैं वापस जाऊंगी, टाइम हो रहा है 8 बज रहे हैं, टाइम हो रहा है 8, और खिचड़ी बना रही हूँ मैं इनके लिए। खिचड़ी बना के नहा धो के जाऊंगी। अभी मैंने घर का काम कर लिया है, 7 बजे उठी थी मैं, झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह मैंने सब कर लिया है, नहा के जाऊँगी। हालत देखिए अभी ठीक हो जाएगी नहाऊँगी तो। और तरबूज काट लिया है मैंने इनके लिए, चलिए मिलती हूँ बाद में जाते टाइम। तो मैं तैयार हो गई हूँ हॉस्पिटल जाने के लिए। अब खाना मैंने रख लिया है, बैग लगा लिया है, मैंने ये बैग लगाया है, मैंने खाना फ्रूट्स सब इसमें मैंने रख लिए हैं, ये मेरा पर्स है। ये चलते हैं अब वापस हॉस्पिटल, कुछ रह तो नहीं गया, चलिए मैं देख लेती हूँ।
ये देखिए पी रहे हैं जूस, अब ये बहुत बेटर हैं पहले से। आज इनको चलाया भी था डॉक्टर ने थोड़ा सा, दो तीन कदम। कैसा मुंह बना रखा है, थोड़ा हंस भी दिया करो। हैं बीमार आदमी ऐसे होता है, ये बीमार लग रहे हैं कहीं से? ही इज फाइन नाउ। मैं इनके लिए भी जूस लेके आई थी, जूस मैंने इनको पिला दिया है। से हेलो, हेलो एवरीवन। तो अभी ये काफ़ी बेटर हैं पहले से, और थोड़ा बहुत इनको आज चलवाया अभी था तीन चार कदम। और यहाँ के स्टाफ गार्ड्स और डॉक्टर्स नर्सेस सब बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव भी हैं, गुड बिहेवियर हैं, बहुत अच्छा सब बिहेव करते हैं। और इनको देखो कब तक छुट्टी मिलती है। वैसे तो हमें लगा था कि वीरवार को मिल जाएगी शाम तक छुट्टी, और देखो डॉक्टर क्या कहते हैं कब तक छुट्टी मिलती है, पता नहीं कब तक मिलेगी। और बस अब बैठी हुई हूँ ऐसे ही, आशु ये मेरे साथ में बैठा हुआ है, उसको आज भी रोक लिया था मैंने। मैंने कहा कभी छुट्टी मिलने लगे आज या कल को, बट अभी मिलेगी नहीं, तो देखते हैं फिर। चलिए लेट जाती हूँ मैं थोड़ा सा, गुड नाइट। आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।